हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2011 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि हुआ था 17 जून 2016 को। और ये व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, यानी कि आपको क्वेश्चन और आंसर्स के साथ साथ उसका व्याख्या भी दे रखी होगी, जिससे कि आप आसानी से उस प्रश्न को और उसके उत्तर को समझ पाएँ। साथ ही आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक विज्ञान में चार पार्ट होते हैं, चार खंड होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के चार पार्ट होते हैं, और जिनमें से आपको दो खंड को सॉल्व करना होता है। वो कोई भी खंड हो सकते हैं, जिनकी आपकी तैयारी अच्छी है उन खंडों की, आप उनको सॉल्व कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्ट वन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्ट वन में चार क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से है, और थर्ड क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से, यानी कि इको से, और फोर्थ जो क्वेश्चन है ये है पॉलिटी से। तो इसी तरह से आपको चार खंड दे रखे होंगे, जिनमें से आपको दो खंड को सॉल्व करना है, और हर खंड का वीडियो मैंने अलग अलग बनाया है। जैसे ये वीडियो जो है वो भूगोल का है, ज्योग्राफी का है, तो इसमें आपको ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपका मिक्सअप ना हो और आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस वीडियो को अच्छे से देख सकें, उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए देखते हैं, आज इस वीडियो में सिर्फ भूगोल पार्ट के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और उनकी व्याख्या। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हर खंड के अलग अलग वीडियो बनेंगे। और इसी तरह से और भी इससे पहले वाले पेपर हैं, वो भी अपलोड होते रहेंगे आप लोगों की हेल्प के लिए। तो बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अभी के लिए। भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मध्य अक्षांश घास भूमि जीवों। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, और आप व्याख्या भी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इसलिए इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट इज कनारी दहारा कहाँ प्रभावित होती है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत। तो लेब्राडोर धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। बाकी तीन धाराओं को भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी धारा कौन से महासागर में स्थित है। नेक्स्ट इज, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को कहते हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सिंजगी। तो सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को युति वियुति का सिंजगी कहा जाता है। नेक्स्ट इज, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, पश्चिमी से आने वाले चक्रवात के कारण। तो आप व्याख्या जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन गर्म धारा है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, ब्राजील धारा। ब्राजील धारा गर्म धारा है, बाकी सब ठंडी धारा है। आगे है, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायुमंडल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया? ऑप्शन सी, दास मैन ने दिया है। यह परिभाषा आरएफ दास मैन के द्वारा 1976 में दी गई। नेक्स्ट, जीव मंडल शब्द का व्यापार स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय है?
राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वर्ना डस्की, ऑप्शन डी वर्ना डस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापारिक वितरण का श्रेय जाता है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पादप वितरण को। नेक्स्ट इज भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट इज मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है, सही जवाब ऑप्शन ए नव निश्चयवाद, ऑप्शन ए नव निश्चयवाद। नेक्स्ट इज भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय शोधनशाला कौन सी है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए मथुरा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए ब्लाश। नेक्स्ट मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जलवायु। नेक्स्ट इज प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अनुकूलतम जनसंख्या। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी, राइट ऑप्शन सी नीग्रो। मंगोलाइट प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है, ऑप्शन सी पीत वर्ण। निम्न में से किस प्रजाति के घर काल कहलाते हैं, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मसाई। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी खिलगिज मध्य यूरोप। तो खिलगिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं ना कि मध्य यूरोप में। नेक्स्ट है नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं, राइट ऑप्शन सी यूएसए। भिलाई नगर किस वर्ग का है, सही जवाब ऑप्शन बी औद्योगिक नगर। नेक्स्ट इज भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप होंगे, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेखीय। नेक्स्ट इज भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह कथन किसने कहा, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी फिंच एवं ट्रिवार्थ। नेक्स्ट इज शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है, सही जवाब एस्किमो। नेक्स्ट इज उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन ए जैपोनिका। नेक्स्ट इज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, सही जवाब ऑप्शन ए मिनीसोटा। नेक्स्ट इज भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है, ऑप्शन बी रोबस्टा। नेक्स्ट है निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, सही जवाब ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट इज विश्व में 65% कोयले का उत्पादन किस देश में किया, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी चीन। स्वेज नहर मिलाती है, राइट ऑप्शन बी लाल सागर को भूमध्य सागर से। नेक्स्ट इज किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए मंगल। नेक्स्ट इज विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही जवाब ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए पृथ्वी। नीचे व्याख्या दे रखी आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हेली गेल तथा विल्सन क्या है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी धूम केतु। नेक्स्ट इज किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है,
राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, जुड़वा बहन भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी फिजी द्वीप। नेक्स्ट इज पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए अवसादी। हीरे का मौलिक रूप क्या है, ऑप्शन सी कोयला। नेक्स्ट है किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अवसादी। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी प्रशांत महासागर के चारों ओर। नेक्स्ट इज निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी पीलियन ज्वालामुखी हवाई अड्डा, तो पीलियन ज्वालामुखी काकाटोआ में है। नेक्स्ट इज विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए फ्यूजियामा। नेक्स्ट इज शीत प्रदेशों में निम्नांकित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए भौतिक। नेक्स्ट इज निम्नांकित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी आल्पस। यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी प्राचीन वलित। नेक्स्ट इज पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी भूमिगत जल। नेक्स्ट इज ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ट्रोपोपोज स्ट्रेटोपोज मेसोपोज और मैग्नेटोपोज। नेक्स्ट इज ओजोन गैस की अधिकता है, राइट ऑप्शन बी 1535 किलोमीटर के मध्य। नेक्स्ट इज सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम होने की दर है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति हजार मीटर। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी का औसत अल्बिडो कितना है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी कर्क तथा मकर रेखाओं पर। नेक्स्ट इज कौन सी पवनें हल्की व न्यून दाब वाली होती हैं, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी ध्रुवीय पवनें। नेक्स्ट इज भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिमी विस्तार है कितना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी शरावती। नेक्स्ट इज किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी टोंगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो टोंगा प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी विली विली वेस्ट इंडीज, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया के जो तूफान होते हैं उसका नाम है विली विली ऑस्ट्रेलिया के, और बाकी आपको याद करने हैं टाइफून चीन में आने वाले तूफान को कहते हैं, टॉर्नेडो यूएसए में, हरिकेन कैरेबियन सागर में। तो फ्रेंड्स ये थे टीजीटी के ज्योग्राफी पार्ट के 63 क्वेश्चन यानी कि 62 क्वेश्चन, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस भी ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।